ज्योति पब्लिक ऑनलाइन क्लासेज में बच्चों आपका स्वागत है। क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट मैथ हिंदी मीडियम, हम चैप्टर नंबर 2 आज पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले बहुपद, ये चैप्टर नंबर 2 है, इसका नाम है बहुपद। इससे पहले आपको मैं 2-3 बातें बताता हूँ, उसे समझे आप। देखो सबसे पहले, अच्छा, ऐसी राशि जो अपना स्वतंत्र मान ग्रहण करती है, स्वतंत्र मान ग्रहण करती है, जैसे x, y, z, a, b, c, e, t, c, ये बहुत सारे x, y, z, a, b, c, l, m, n, ये सब जो है हमारे लिए क्या कहलाते हैं, चर। इसके बाद आता है अचर। अचर ऐसी राशि जो अपना एक निश्चित मान ग्रहण करती है वो क्या कहलाती है, अचर। अचर में क्या होता है, जैसे 1, 2, 3, 5, 8, 10, 100, 1000 बहुत सारे वर्ड, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये हमारे लिए क्या कहलाते हैं, अचर कहलाते हैं। देखो चर की बात हो गई, अचर की बात हो गई, अब चर और अचर को मिलाकर जो व्यंजक बनाएंगे उनको हम क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। देखो इसके बाद आता है घात। सबसे पहले तो गुणांक की बात करते हैं, गुणांक क्या होते हैं, जैसे मैंने 2x² + 5x + 7 है, ये कोई बहुपद है हमारे पास, बहुपद को हम कैसे लिखते हैं, px से लिखते हैं, अंग्रेजी में इसको पॉलिनोमियल कहते हैं, पॉलिनोमियल का p, और किसमें बहुपद है, ये x में, इसलिए px लिखा। ऐसे होता मान लो py, तो y³ + 3y² + 5, तो ये y में बहुपद है, इसमें बहुपद है, y में बहुपद है। अब देखो बहुपद की बात करें, गुणांक, तो मैं पूछूं आपसे x² का गुणांक, इसका गुणांक x² का गुणांक, तो आपको क्या करना है, ये x² है, इस x² के पास में जो भी नंबर लिखा हुआ है, अब 2, तो x² का जो गुणांक है वो क्या है, 2। x का गुणांक क्या हो जाएगा, 5। और अचर पद हमारे लिए क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस तरह हम किसका डिसाइड करते हैं, गुणांक का। गुणांक वो होता है, कोई भी नंबर है उसका आपको गुणांक निकालना है, जैसे x² का गुणांक निकालना, इसके पास में जो भी नंबर लिखा हुआ है। अब जैसे मान लो यहां बात करते हैं y³ का गुणांक के पास में कोई नंबर नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 1। और y² का गुणांक क्या हो जाएगा, -3। और अचर पद हमारे लिए क्या हो जाएगा, 5। तो इस तरह हमने गुणांक की बात की, सबसे पहले चर की बात करी, फिर अचर की, फिर गुणांक की। अब हम बात करते हैं बहुपद की घात। देखो बहुपद की घात क्या होती है, दिए गए व्यंजक में चर राशि की उच्चतम घात, दिए गए बहुपद में चर राशि की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। तो देखो बहुपद की घात ये है, बहुपद की घात दिए गए बहुपद में चर राशि की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। तो देखो बहुपद की घात, जैसे कोई भी आपके पास एक बहुपद है कि 3x² + 5x² - 3x + 7, तो मैंने क्या लिखा है, दिए गए बहुपद में चर राशि की उच्चतम घात, चर राशि कौन सी है, यहां x, एक चर का बहुपद है, दो चर का बहुपद है, तीन चर का बहुपद है, ये कितने चर का बहुपद है, एक चर का बहुपद है,
इसमें x x सब में आ रहा है, तो देखो पी एक्स इक्वल 3x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, तो बहुपद की उच्चतम घात, तो x की उच्चतम घात चर राशि क्या है यहाँ, x, x की उच्चतम घात क्या है 4, तो बहुपद की घात क्या कहलाएगी, बहुपद की घात क्या है 4, तो हमारे लिए बहुपद की घात है 4। इस तरह हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुपद की घात हो गई और चर हो गया, फिर अचर हो गया, गुणांक हो गया, बहुपद की घात। अब निकालो आप एक्सरसाइज 2.1। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है, एक चर का मतलब इसमें चरों की संख्या एक हो। देखो मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास में, निम्नलिखित तो व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दिए, कौन कौन से बहुपद हैं अपने कारण। देखो फर्स्ट है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, सेकंड है y स्क्वायर प्लस रूट 2, थर्ड है 3 रूट टी प्लस टी रूट 2, फोर्थ है y प्लस 2 अपॉन y, और फिफ्थ है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस टी की पावर 50। ये क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट, क्या लिखा हुआ है देखो, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, एक चर का मतलब है एक्स एक्स होना चाहिए, वाई वाई होना चाहिए, टी टी होना चाहिए, एम एम होना चाहिए, कभी भी देखो बहुपद में क्या होता है, बहुपद में कि कभी भी चर राशि पर रूट नहीं आना चाहिए, मतलब इसकी पावर 1/2, पावर जो है पूर्णांक होनी चाहिए, जैसे x की पावर 2 4 5 6 8 ऐसे होनी चाहिए, तो कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, पावर वन रूट में नहीं होनी चाहिए, तो ये हमारे लिए क्या नहीं होगी, चर बहुपद होगा ही नहीं, क्या नहीं होगा, बहुपद, बहुपद की जो घात है वो हमेशा पूर्णांक संख्या नहीं होती, पूर्ण संख्या 0 होती है, तो x की पावर 1 2 3 4 5 6 इनमें से कुछ भी हो सकती है बहुपद की घात, ठीक है, तो ध्यान दो फर्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो फर्स्ट वाला है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, अब हम इसको चेक करते हैं, देखो निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में, देखो यहाँ चर क्या है x, x एक ही चर है, तो एक चर का बहुपद है, तो इसको क्या लिखेंगे, एक चर में बहुपद है और चर क्या है भाई, x है, क्लियर। इसके बाद देखो y स्क्वायर प्लस रूट 2, अब यहाँ एक ही चर है y, बिल्कुल है, तो यहाँ सेकंड में है y स्क्वायर प्लस रूट 2, तो क्या लिखेंगे, एक चर में बहुपद है, बहुपद है, एक चर में बहुपद है, और वो चर क्या है, वो चर है हमारे पास y, ठीक है। फिर तीसरा है देखो रूट वाली डिजिट आ गई, कभी भी रूट में संख्या नहीं होनी चाहिए, तो ये हमारे लिए क्या नहीं है, बहुपद नहीं है। तो थर्ड वाले में लिखेंगे 3 रूट टी प्लस टी रूट 2 बहुपद नहीं है। ये भी देखो y स्क्वायर अपॉन में y रहेगा, तो फोर्थ वाला भी बहुपद नहीं है, y प्लस 2 अपॉन y बहुपद नहीं है।
अब देखो इसमें, ये बहुपद तो है लेकिन चर कितने हैं? तीन चर वाला बहुपद है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 और t की पावर 50, तो तीन चर वाला बहुपद, तीन चर वाला बहुपद। तो ये हमारे पास तीन चर वाला बहुपद है। तो आप समझ गए, एक चर में बहुपद चरों की संख्या एक होनी चाहिए, दो चर वाले बहुपद में चरों की संख्या दो। यहां हमें सिर्फ ये बताना है कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। तो देखो ये फोर वाला और थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो एक चर में बहुपद नहीं है और ये बहुपद है ही नहीं, और क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो बहुपद तो है लेकिन चरों की संख्या कितनी है? तीन है इसमें चरों की संख्या। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। पहला क्वेश्चन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सेकंड क्वेश्चन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, थर्ड है पाई अपॉन 2। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित तो में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, फर्स्ट है आपके पास 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सेकेंड है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, और थर्ड है पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और फोर है कि रूट 2 एक्स माइनस 1। तो देखो हमें क्या चेक करना है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक, किसका? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहां हमें एक्स स्क्वायर देखना है, ये एक्स स्क्वायर है। मैंने आपको बताया कि गुणांक जब भी लिखा जाता है तो एक्स स्क्वायर के पास में यदि कोई नंबर है तो उस नंबर को चिन्ह सहित लिखते हैं। तो यहां देखो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के पास में कोई नंबर है क्या? नहीं है। नंबर नहीं है तो क्या है? 1। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? 1। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो यहां देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के पास में क्या है? माइनस, और कोई नंबर नहीं है तो माइनस 1 एक्स स्क्वायर का गुणांक कहलाएगा। थर्ड में देखो आप पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहां एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या कहलाएगा? पाई अपॉन 2। फिर आता है फोर्थ वाला है कि रूट 2 एक्स माइनस 1। जो रूट 2 एक्स है, अब यहां एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, अब एक्स स्क्वायर तो यहां है ही नहीं इस बहुपद में, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या कहलाएगा? 0। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक हमने छांटा कि फर्स्ट वाले में हमारे लिए क्या आया? 1, सेकंड वाले में माइनस 1, और थर्ड वाले में है एक्स स्क्वायर का गुणांक पाई अपॉन 2, और फोर्थ वाले में है एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो आंसर हमारे लिए क्या कहलाएगा? 0 कहलाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड है 35 घात के बहुपद में, 35 घात के बहुपद का और 100 घात के एक घातीय बहुपद के उदाहरण लिखिए। तो ध्यान दो, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास कि 35 क्वेश्चन नंबर थर्ड 35 घात के द्विपद, द्विपद का और
सौ घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। उदाहरण दीजिए, ध्यान देना आप, बहुत सिंपल है। 35 घात के द्विघात का, तो देखो 35 घात वाले के लिए हमने क्या लिखा, x की पावर 35 माइनस 5 द्विघात। 35 घात के द्विपद का, द्विपद का मतलब पदों की संख्या दो होनी चाहिए, और 100 घात के एक पदी का, एक पदी का मतलब पदों की संख्या एक। तो ये तो हो गया द्विपद पहले 35 वाले के लिए। सेकंड वाले के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, x की लिख सकते हो, y की लिख सकते हो, y की पावर 100। तो ये हमारा सेकंड थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित तो बहुपद के निम्न लिखित तो बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का, प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, बहुपद की घात लिखिए। तो देखो फर्स्ट है हमारे पास कि 5x³ + 4x² + 7x। सेकंड है 4 - y² और थर्ड है 5t - √7 और 4 है थी। देखो बहुपद की घात, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बहुपद की घात क्या होती है, कि दिए गए बहुपद में चर राशि की उच्चतम घात बहुपद की क्या कहलाती है, घात कहलाती है। तो देखो चर राशि की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5x³ + 4x² + 7x। अब देखो बहुपद की घात निकाली, मैंने आपको कहा था चर राशि की उच्चतम घात, उच्चतम घात। अब देखो यहां चर राशि क्या है, चर राशि क्या है, x। तो x की उच्चतम घात कितनी है, 3, क्योंकि यहां देखो x की पावर 3, यहां x की पावर 2 और यहां x की पावर 1, तो सबसे ज्यादा कौन है, x की पावर 3। तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी भाई, 3 हो जाएगी। तो चर राशि की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन था 5x³ + 4x² + 7x, x की उच्चतम घात 3, तो बहुपद की घात हमारे लिए क्या कहलाएगी, 3। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास कि 4 - y²। अब देखो चर राशि की उच्चतम घात, चर राशि की उच्चतम घात, चर राशि क्या है यहां, y, और चर राशि की जगह आप ये भी लिख सकते हो y की उच्चतम घात कितनी है, 2। तो बहुपद की घात क्या कहलाएगी, बहुपद की घात हो गई हमारे पास 2। क्लियर। तो चर राशि की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। अब देखो यहां थर्ड वाले में, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास 5t - √7। तो टी की उच्चतम घात क्या है हमारे पास, टी के ऊपर कोई संख्या नहीं है तो क्या है, 1, तो 1। तो बहुपद की घात क्या कहलाएगी भाई, 1। अब देखो यहां तो चर राशि है ही नहीं, चर संख्या है ही नहीं, एक्स वाई जेड ई बी सी कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 3 है, तो चर राशि की घात, चर राशि है ही नहीं, तो बहुपद की घात हमारे लिए क्या कहलाएगी, 0। तो इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा कंप्लीट हो गया।
निम्नलिखित तो बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखी। हमने चार क्वेश्चन दे रखे थे, चारों में हमने बहुपद की घात बताई। चर राशि की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है, आपको याद रखना है। और आप चर राशि देखेंगे, यहाँ x चर था इसलिए x की उच्चतम घात 3, तो बहुपद की घात 3। 4 माइनस y स्क्वायर तो y स्क्वायर, यहाँ चर है और चर की उच्चतम घात 2 तो y की बहुपद की घात 2। ऐसे ही यहाँ 5t1 माइनस रूट 7 तो t की उच्चतम घात 1 तो बहुपद की घात 1। और ऐसे इसमें 3, यहाँ चर राशि 3 नहीं तो बहुपद की घात क्या कहलाई, 0। तो आपको आगे के वीडियो में बताएंगे आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 से। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।